हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटियोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक शोरबा की रेसिपी। आज हम बनाएंगे पालक और मूंग दाल का शोरबा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, कम इंग्रेडिएंट से बनता है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो दाल और पालक का शोरबा बनाने के लिए आधा कप बिने छिलके वाली जो मूंग की दाल आती है वो ली है। तो इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था और इसके बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और भिगोने के बाद वापस आपको 1 से 2 बार धोना है। तो यहाँ पे मैंने भिगो के मूंग की दाल रेडी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से धो भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर लेंगे, गैस ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लेंगे 4 कप पानी। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून घी। घी डालना टोटली ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 पिंच हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा ही डालेंगे। और पानी को पहले हम अच्छे से उबलने देंगे। तो इसे ढककर हम उबलने देते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी उबल चुका है। इसमें हम ये भिगोई हुई मूंग दाल डाल देंगे और एक बार हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और 2 विसल तक हम इसे पकाएंगे। दाल पकती है तब तक हम एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप दूध ले रही हूँ और इसी के साथ मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून पूरा भर के कॉर्नफ्लावर और हम दूध में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा अच्छे से भर के 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से विस्क की मदद से करें या तो आप चम्मच से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्सर हमारा रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पालक। तो यहाँ पे मैं पूरा 1 बंच पालक ले रही हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टेम है वो हम निकाल देंगे, हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। यहाँ पे हमें पालक कच्चा ही लेना है। तो पालक हमारा रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। तो दाल हमारी पक चुकी है, तो आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, विस्क की मदद से अच्छे से इसे विस्क कर लेंगे। तो इसे अच्छे से विस्क करना है। अब हम वापस गैस ऑन कर लेते हैं और गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और इसे अच्छे से विस्क करेंगे। और इसी के साथ ये हमने जो दूध और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सर बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अभी ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से डालेंगे। तो अभी मैंने 1/2 डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से विस्क हो चुका है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ब्लैक पेपर। वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं 1 कप इसमें पानी डाल देती हूँ और इसे हम अच्छे से उबालेंगे। ये बाकी का जो दूध वाला मिक्सर है वो भी हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं हमने जो फाइनली चॉप किया था पालक, वो डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये जो शोरबा है बहुत ही माइल्ड है पर बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल और हेल्दी है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए ये बेस्ट सूप है। और इसमें आप अगर फ्रेश क्रश करके ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिरी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें जो फ्लेवर रहता है वो काली मिर्च का रहता है, तो आप इसे फ्रेश क्रश करके ही काली मिर्च डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो दाल पालक शोरबा हमारा रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं।
ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर हम स्प्रिंकल कर लेते हैं। सुपर डिलीशियस एंड फ्लेवरफुल दाल पालक का शोरबा हमारा रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड कुट्योर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।